ओ ये क्या था? ओ भाई हमारी फाइनली गाइस KTM RC 390 BS3 आ चुकी है गाइस, फाइनली गाइस। व्हाट्सअप गाइस, की हाल चाल? तेरा कैमरा मेरे से शुरू होता है हमेशा। अरे भाई आप ज्यादा सुंदर दिखते हो यार। बड़ा सुंदर पता है मुझे यार। गाइस आप लोग बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या फेरा में भाई ज्यादा सुंदर है? भाई मैं तो हूँ ही सुंदर, फेरे लवली यही लगाता, यही सुंदर फेरे लवली। देखो गाइस किसने लगाई आज? लो देखो जी, देखो ये देखो दाढ़ी मेरे भी लगाई हुई है। और गाइस यहाँ से भाई व्यू चेक करो कितना बढ़िया आ रहा है भाई। सुबह सुबह भाई सनराइज हो चुका है भाई। अभी हमने जाना है KTM का काम करवाने भाई, डॉक्यूमेंट्स का, फिर हम KTM लेके निकल जाएंगे बाइक के घर। चलो भाई वही समझ लो। अरे इन व्यूअर्स को पहले से पता है व्लॉग पार्ट टू है शायद भाई, शायद नहीं आप पार्ट टू ही है। मैं तो व्लॉग ही नहीं बना भाई। यार जो बंदा KTM ले रहा है वो व्लॉग नहीं बनाता कैसे? लोग भाई इधर देख सकते हो भाई मेरे पास कौन सी बाइक है, 390 गाइस फाइनली गाइस ले ली है। और ये रहा SDM ऑफिस, अभी हमने बाइक ले ली है भाई। तो देख लो यार, अभी मैं आपको आगे जाके पूरा लुक दिखाता हूँ भाई बाइक का। और अभी भाई आ रहे हैं हेलमेट लेके, फिर दिखाते हैं भाई आपको पूरा लुक बाइक का। यार भाई खतरनाक यार। चलो मिलते हैं आपको आगे यार। तब यार सी में हो रहा है फर्स्ट फ्यूल अप, देख दो भाई कर दो भैया 500 का डाल देते हैं भाई। चलो 510 का कर दो। चलो मिलते हैं आपको आगे जाके, मिलते हैं अभी GoPro सेट करते हैं हेलमेट में। सो गाइस फाइनली हमने KTM RC 390 ले लिया और मेरे पीछे खड़ी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी जो इसका डॉक्यूमेंट्स का काम था वो सारा हमने कर लिया है SDM ऑफिस जाके। और बाइक भी एकदम बढ़िया कंडीशन में भाई, वॉश करवाई थी कल, वॉश क्या पूरी सर्विस ही करवाई थी ओवरऑल। ये देख सकते हो भाई हमारी फाइनली गाइस KTM RC 390 BS3 आ चुकी है गाइस, फाइनली गाइस। देख सकते हो यार कितनी प्यारी लग रही है भाई बाइक यार। देखो यार एकदम बढ़िया कंडीशन में है भाई बाइक। अभी मैं ही चला के लेके आया हूँ वहाँ से, ज़्यादा दूर तो था नहीं बट फिर भी। और अभी हमें यहाँ से निकलना है चंबा के लिए, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में निकलेंगे अभी हम। और फिलहाल मैं अपना GoPro सेट करता हूँ वहाँ पे, देखो मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है उस पर, मैं अभी GoPro सेट करता हूँ, फिर आपको सीधा GoPro में मिलता हूँ। चलो गाइस बाकी बातें सीधा GoPro पे। सो गाइस फाइनली गाइस KTM RC 390। ओ भाई साहब क्या बाइक है भाई ये। गाइस यार आप लोगों को मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता कि भाई क्या मजा आ रहा है मेरे को इस बाइक को यार चलाने में भाई। फिलहाल तो कैमरा एंगल कैसा आ रहा है मेरे को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा लीन करना पड़ रहा है इसमें बैठने के लिए। तो भाई कैमरा एंगल तो मैं अभी एडिटिंग में जाके देखूंगा घर जाके, तो अभी यार बता देना अगर कमेंट्स में कि सही है कि नहीं, बाद में देख लूँगा मैं। फिलहाल तो मैं अभी मतलब अकेला ही आया हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा राइड मार लेते हैं इस बाइक को, क्योंकि मैंने चंबा तक पहुँचाना है इसको। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा देख लेता हूँ बाइक का क्या हिसाब किताब है। तो भाई मैं अभी ज़्यादा आगे तक तो नहीं जाऊँगा, बट फिर भी मैंने सोचा GoPro माउंट कर ही लेते हैं, क्योंकि यार वैसे मेरी बाइक तो नहीं है भाई की बाइक है, बट फिर भी यार क्यों रिस्क लेना है ना। वैसे भी अभी मैं नया नया हूँ KTM RC 390 में, पहले तो मैंने चलाई नहीं, पहली बार ही चला रहा हूँ, तो भाई देखते हैं कोई बात नहीं यार। ओ भाई भाई कसम से डर लग रहा है भगाने में भाई। पावर तो है भाई, पावर तो है। ओ भाई ओ बाबा ओ भाई क्या बाइक है यार, डर लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। एक तो भाई रोड भी कुछ खास नहीं है यार, हाईवे आएगा ना, हाईवे पे भगाएंगे अभी जब वापस चंबा जाएंगे ना, तो जो हाईवे आएगा वहां पे भगाऊंगा मैं कसम से भाई, उधर आएगा असली मजा, इधर तो मजा नहीं आ रहा भाई। वी आर ऑल सेट टू गो, अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा से चंबा की ओर। चलो गाइस निकल चुके हैं हम लोग, अभी वाइजर कर लेते हैं बंद, वैसे तो वाइजर मेरे टूट चुका है, अब मेरे को घर जाके दूसरा वाइजर इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई। डर तो नहीं लगा? ओ भाई हाँ भाई मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है भाई इसको यहाँ पे भगाने का भी, बट हम जब मेन हाईवे पे पहुँच जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। आप देख ही सकते हो भाई कितना मज़ा आ रहा है। चलो भाई स्ट्रेट रोड आ चुकी है, अब मैं भगाने वाला हूँ। ओ भाई मैं कुछ भगा ही नहीं रहा हूँ यार, 70-80 पे चला रहा हूँ और फिर भाई की फट रही है पीछे यार। 70-80 पे भाई की इतनी फट रही है, आगे 100 पहुँचाऊँगा तब क्या होगा भाई का यार। चलो कोई बात नहीं, भाई को भी हम ट्रेनिंग दे देंगे, भाई की फटने नहीं देंगे हम।
भाई की इतनी फाड़ देंगे ना, और भाई की फिर फटेगी नहीं, ऐसा करेंगे हम, ठीक है आगे जाके। अभी तो चलो फिर भी ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, अगर मेरी होती ना मैं 120 पहुंचा देती थी अभी। चलो भाई, भाई बोला निकाल। अभी भाई मेरे को एकदम पूरे चिपके पकड़ के बैठ गए, अभी मैं भगाने वाला हूँ आगे से। क्या भाई? ओके ओके ठीक है भाई। अरे मैं नहीं, मैं हैंडल छोड़ूंगा तभी आप गिरोगे ना, ऐसे नहीं गिरोगे आप। अरे पकड़ा तो है, एयरपोर्ट आ गया इस कांगड़ा का एयरपोर्ट। चलो भगाते हैं। ओ देखो टर्न्स, कितनी क्यूट टर्न्स है गाइस। हाँ हमें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं राइड को यार। चलो गाइस भगाते चलो। ओ भाई साहब क्या बाइक है यार, बाइक ही पहले ही फट जाती है यार। गाइस गंदा रोड आ गया भाई। गंदे रोड में पता चल रहा है 390 का। वो देखो गाइस क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर सामने खड़े हुए हैं हमारे वेट करने, लेकिन हम नहीं रुकते भाई सब्सक्राइबर के लिए यार। यार खाली रोड पे भी भाई भगाने नहीं दे रहे हैं यार, बाइक ही फट जा रही बार बार। चलो हम भी क्या बोल सकते हैं यार, बाइक भी तो बाइक ही है, अगर मेरी होती तो मैं तो छोड़ता नहीं भाई। 150 लगा देनी थी भाई इस रोड पे कसम से। सामने देखो यार स्प्लेंडर वाला पास लेके जा रहा है यार, बेइज्जती हो रही है यार 390 की। यार अगर मेरे हाथों में 390 आती ना मैं कभी बेइज्जती नहीं होने देता। तो पर चलो कोई बात नहीं, हम क्या बोल सकते हैं यार। चलो भाई तो गाइज अभी तुम्हारा भाई चलाने वाला ये वाली बाइक, और जिसमें फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग दिस बीस्ट। इससे पहले मैंने चलाई हुई है, बट ये वाली बाइक को मैंने अभी तक टच भी नहीं करा है, मतलब स्टार्ट भी नहीं करी है तुम्हारे भाई ने भी ये वाली बाइक। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ, और अक्षर ने डाली मेरा हेलमेट क्योंकि मेरे को था कि मैं GoPro नहीं लगाना चाहता था अभी, ठीक है। तो बड़ी सिरदर्दी होती है GoPro को लगाने की, बंद करने की। तो अभी चलते हैं। ओ बहन चोद ये क्या था? भाई साहब इसको चलाना बड़ा मुश्किल है गाइस, मैं समझ गया, दिस मशीन इज़ नॉट फॉर मी। मे बी कुछ टाइम चला के तुम्हारा भाई बेच देगा, पर मैं कह सकता हूँ कि ये हिमाचल की, मे बी इंडिया का नहीं पता, पर हिमाचल की सबसे क्लीन मशीन मिली है तुम्हारे भाई को। 60-70 से ऊपर तुम्हारा भाई नहीं जाता, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी रेस लगा रहा हो, 60-70 से ऊपर तुम्हारा भाई कभी नहीं जाता गाइस। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई यार बाइक को चलाने में यार, और काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिएक्शंस भी आ रहे हैं, और देखो भाई की रील बन रही है यहाँ पे। हमने भी भाई रील बना ली। चलो शो तो नहीं पहुँचाने वाला यार, मैं भाई की फट के हाथ में आ जाती है, नॉर्मल ही चला हूँ 80 में, 90 तो पहुँच गई भाई मजे से। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे भाई कुछ खाने के लिए वहाँ से, अभी भाई केले ले रहे हैं, तो केले खाते फिर चलते हैं आगे। मेरे को तो लग रहा भाई रात ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, ये खड़ी अपनी बीस्ट। चलो चलते हैं यार खाते, फिर मिलते हैं आपको। रिएक्शन बड़ी आ रही है, क्या बोलते हो यार? यहाँ पे ना यार कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई। गाइस क्या ही मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने का यार, लिटरली भाई बहुत ऑसम बाइक है यार ये, लेकिन इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है गाइस आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं क्योंकि मैं तो भाई क्योंकि मेरा तो प्यार है यार 390। कईयों को पता होगा यार जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं कि मेरा प्यार कौन है, और वो है RC 390 BS6।
गाइस रोड चेक करो भाई, क्या रोड है यार, बड़ी ख़राब रोड है, बीच बीच में बेकार बेकार पैचेज आ रहे हैं, लेकिन अब बढ़िया रोड आ गया गाइस। चलो यार, अबे भाई के पीछे फटी रहती है भाई, वो तो कोई बताने वाली बात नहीं है, पीछे एकदम सिग्नल आता है पीछे से कि भाई मेरी फट गई, रोक दे, स्लो कर ले, बट मैं नहीं करता भाई स्लो। सो गाइस व्यू चेक कर सकते हो अभी, अबे भाई चला रहे हैं हमारी बाइक, मतलब हमारी क्या इनकी बाइक है, और मेरी उंगली से पता नहीं क्यों खून निकल रहा है, इसलिए मैं ये बांधा हुआ इस पर। तो चलो यार अभी हम पहुँचने वाले तूनुहट्टी, और उसके बाद आएगा बनीखेत, बनीखेत के बाद आएगा चंबा। ये गाइस